दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेवा इंडिया न्यूज पर। और चलिए देखते हैं आज की यह खबर। 7.5 लाख रुपए खर्च कर मंडला पहुंचे मजदूर, और यहां पर उन्हें एक केला भी नहीं दिया गया। कहां और कैसे खर्च हो रही है राशि, बड़ा सवाल। केरल से मध्य प्रदेश के मंडला में लगभग 200 मजदूर 4 बस रिजर्व करके स्वयं के 7.5 लाख रुपए खर्च करते हुए भूखे प्यासे पहुंचे, और यहां पर उन्हें एक केला भी नहीं दिया गया। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए इन्हें बसों को व्यवस्था देकर रवाना कर दिया गया। यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भोजन बनाने में समय था तो क्या नाश्ता भी नहीं कराया जा सकता था? आखिर कैसे और कहां खर्च हो रही है शासन व जन सहयोग की राशि, जबकि पिछले दिनों अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक लोगों को कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र दिया गया है, किंतु इन पीड़ितों मजदूरों की खबर लेने कोई नहीं आया। रेवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। आ रहे हैं आप लोग केरला से? कैसे आए केरला से? बस करके आए, 7.5 लाख। तो शासन ने आपको आने की व्यवस्था नहीं केरला से यहाँ? रास्ते में भोजन वोजन बस एक बार मिला था और कुछ नहीं, वो केक वगैरह दे दिए थे और पानी बॉटल। यहाँ मंडला कितने बजे पहुँचे हैं? मंडला 4 बजे। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था भोजन वोजन की नहीं? तो आप लोग पूरी रास्ते कैसा भोजन करते आए? बस थोड़ा मिक्सर अच्छा लेके रखा था, वही पानी के साथ जा रहे हैं। तो रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं? नहीं। मंडला पहुंचने पर प्रशासन ने कोई व्यवस्था की आपकी? नहीं सर, बस गाड़ी लगा दिया और जांच कर रहा है और जाने के लिए बोल रहा है। कोई नाश्ता वगैरह भी नहीं? दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।